हे गाइस, वंस अगेन वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अंजना। कैसे आप सब लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो जिसमें मैं आप लोगों से मीशो के कुछ कुर्ता सेट शेयर करने वाली हूँ जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मीशो पे मिल जाते हैं। हमेशा से मैंने कहना है मीशो पे आपको ब्रांडेड कुर्ता सेट भी मिल जाते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं, तो वही कुछ कुर्ता सेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली। चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया अगर नहीं किया। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो मैं हमेशा जो भी कंटेंट बनाती हूँ वो बनाती हूँ फैशन हॉल पे, क्लोथिंग हॉल पे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आगे जाइएगा। तो विदाउट टॉकिंग टू मच, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, जो फर्स्ट कुर्ता सेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो कुछ इस तरीके से येलो कलर में मैंने परचेज किया। जो इसका जो येलो कलर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पहनने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। और इसमें जो प्रिंट है वो भी बांधनी प्रिंट है। और साइज़ मैंने इसमें जो परचेज़ किया वो स्मॉल परचेज़ किया। इसका जो ब्रांड नेम तो कुछ लिखा नहीं है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है रानी प्रिंट्स, तो इस तरीके का कुछ है। बट इसका जो कोड होगा ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो ज़रूर चेकआउट कर लेना। ब्रांड इसमें जो साइज़ है वो तो मैंने स्मॉल परचेज़ किया है। जो आपका साइज़ होगा आप उसके अकॉर्डिंग इसमें कुर्ती परचेज़ करके। इसमें आपको ओनली कुर्ती मिलती है, वो भी प्राइस है इसका 450 में आपको इतनी ब्यूटीफुल कुर्ती मिल जाती है, तो डेफिनेटली आप परचेज़ कर सकते हैं। आपको फ्रंट से इस तरीके का राउंड नेक मिल जाएगा। प्रिंट मैंने आपको जैसा कि बताया बांधनी प्रिंट है, तो आप देख सकते हैं पूरा बंधीज प्रिंट आपको इसमें मिल जाएगा, लहरिया जैसे कहते हैं, तो कुछ इस तरीके का लहरिया प्रिंट आप इसको बोल सकते हैं। मैंने इसको पहन भी लिया है, वॉश भी कर लिया है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी आप देख सकते हैं कलर वगैरह इसका कुछ भी फेड नहीं हुआ है, एकदम बिल्कुल जैसे कॉटन फैब्रिक है, तो टाइट भी बिल्कुल भी नहीं हुई, मतलब बिल्कुल भी स्ट्रेच ऐसे करके कुछ भी नहीं हुआ है। तो काफ़ी अच्छा कुर्ता आपको इसमें मिल जाएगा। पूरा ये 3-4 स्लीव्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इस तरीके से 3-4 स्लीव्स हैं। और यहाँ पे आपको इस तरीके से राउंड नेक मिल जाएगा। राउंड नेक में आप देख सकते हैं ना यहाँ पे जो इसका वर्क है फेक मिरर्स वाला वर्क, काफ़ी आपको इसमें कुर्ती में ना बहुत ज़्यादा प्यारा वर्क आपको मिल जाता है। और बिल्कुल नीट सा एकदम साफ़ सुथरा आपको ये वर्क मिल जाएगा, बिल्कुल भी कहीं से थ्रेड वगैरह कुछ भी नहीं निकले हैं। और यहाँ पे साथ में आपको छोटे छोटे पूरी कुर्ती में यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का आपको ये पैटर्न भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे हल्के हल्के जो फेक मिरर्स लगे हुए हैं इस तरीके से। ओवरऑल कहा जाए तो ये कुर्ती प्रिंटेड थी, और साथ में यहाँ पे इस तरीके से ये छोटे छोटे आपको ये बूटियाँ भी मिल जाएंगी जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। एंकल लेंथ मुझे ये कुर्ती आई है, इसको मैंने पेयर किया है वाइट पैंट के साथ, तो इस तरीके की वाइट पैंट आपको कहीं भी मिल जाएगी। तो कुर्ते के साथ आप चाहें तो कोई भी कलर का प्लाजो पैंट कुछ भी कैरी कर सकते हो, तो मैंने इसके साथ वाइट पैंट कैरी किए। और इसका जो ये वर्क है ना फ्रंट से आप बैक देख सकते हैं, बैक साइड से कुछ इस तरीके से, तो बिल्कुल भी चुभने वाला बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप सोचें कि कहीं चुभेगा, हार्ड होगा, इचिंग होगी, तो इस तरीके की कुछ भी नहीं। अंदर से आपको इसका जो पैटर्न है ना कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी चुभेगा नहीं पूरा, मतलब थ्रेड भी जो इसका है कोई भी अंदर से भी इसका कोई थ्रेड नहीं निकला कि अगर आप वॉश करते हैं तो कहीं फंस जाए या निकल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुर्ती काफ़ी आपको ना 450 के प्राइस में इतनी ब्यूटीफुल कुर्ती मिल जाती है, तो आप इसे भी डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी ये कुर्ती है। गाइस, बात करते हैं सेकंड कुर्ती की। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मीशो पे ना जाने से ब्रांड के कुर्ता सेट भी अवेलेबल हैं, तो मैंने उसी में से ये परचेज़ किया है जाने से ब्रांड का। और ये जो कुर्ती है ना काफ़ी अच्छी है, मतलब पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी इस तरीके की जो कुर्ती है वो काफ़ी ट्रेंड में भी, कलर्स आपको इसमें मिल जाते हैं बट डिज़ाइन दूसरा मिलेगा। इस वाले डिज़ाइन में यही वाला कलर है, तो कुछ इस तरीके से ये कुर्ती आपको मिल जाएगी। वी नेक आप देख सकते हैं, फ्रंट से कुछ ऐसा आपको वी नेक देखने को मिलेगा। मैं इसको अंदर कर देती हूँ टैग, तो कुछ इस तरीके का वी नेक मिल जाएगा। ज़्यादा डीप भी नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ रहा है, ज़्यादा डीप नहीं है, बट इसका जो वी नेक है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी या स्टाइलिश लुक आपको देखने को मिलेगा। स्लीव्स आपको इसमें 3/4 मिल जाती हैं। साइज़ जो मैंने इसमें परचेज़ किया है, मैंने साइज़ परचेज़ किया है स्मॉल, और इसका जो नेक भी काफ़ी प्यारा है। साइज़ मैंने स्मॉल परचेज़ किया तो अच्छे से फिट आ रहा है, बट इसका जो फैब्रिक है वो है जॉर्जेट, तो जॉर्जेट फैब्रिक है बट सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो सी थ्रू मिलेगा क्योंकि ये स्लीव्स वाला पैटर्न है, बट ओवरऑल जो कुर्ती का पैटर्न है ना ये वाला, इसमें आपको सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये अंदर से ना लाइनिंग दी गई है इस तरीके की, वो भी सॉफ्ट वाली लाइनिंग है जो कि ना पहनने के बाद बिल्कुल कंफर्टेबल है, आपको गर्मी भी नहीं लगेगी, पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ कुर्ता इस टाइप का पहना हुआ है, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। आप देख सकते हैं इसका जो वी नेक पैटर्न आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी छोटी इस तरीके की ये प्लेट्स बनी गई हैं, और यहाँ पर भी छोटा छोटा ऐसा डिज़ाइन है जो कि ना बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। और इसकी जो ये वेस्ट पे इस तरीके की प्लेट्स है ना छोटी छोटी,
या आपको बैक साइड पे भी इसी तरीके की प्लेट्स मिल जाती है जो कि पहनने में ना बहुत ज़्यादा प्यारा लुक देती हैं। पूरा इस तरीके का हल्का हल्का घेर मिल जाएगा, एंकल लेंथ तक आपको ये मिल जाएगा। मैंने इसको वाइट पैंट के साथ कैरी किया है, आप एज ए ड्रेस भी इसे कैरी कर सकते हैं, एज ए ड्रेस भी आप इसको अच्छा सा लुक दे सकते हैं। बेल्ट के साथ कैरी कर लीजिए, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी कैरी कर लीजिए, बैंगल्स पहन लीजिए, तो ना ये बहुत ज़्यादा प्यारा कुर्ती आपको इसमें मिल जाती है। ब्रांड नेम मैंने बताया आपको जानेसिया है, तो जानेसिया के आप मीशो पे सर्च करेंगे तो आपको जानेसिया ब्रांड की भी कुर्तियाँ मिल जाएंगी। तो बैक साइड भी आप देख सकते हैं इसका जो लुक है, फ्रंट से आपको वी नेक मिलता है तो बैक साइड से आपको पूरा ये बंद मिल जाएगा। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे वेस्ट पे छोटी छोटी ये प्लीट्स बनी गई है, और इसका जो कलर है वो पाउडरी ब्लू है, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। थोड़ा डिफरेंट कलर अभी तक की जो हमने कुर्तियाँ देखी है, पिंक, ब्लू, रेड, ब्लैक, सारे कलर देखे हैं, बट जो ये वाला कलर है ना, ये थोड़ा डिफरेंट कलर में, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इस कुर्ती को आप डेफिनेटली स्टाइल कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, तो इसको भी डेफिनेटली परचेज़ कर लीजिएगा। इसका जो कोड होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइस, जो नेक्स्ट कुर्ती मैंने परचेज़ करी है वो पूरा फेस्टिव लुक आपको देने वाला है। कलर वाइज देखिए, पैटर्न वाइज देखिए, डिज़ाइन वाइज देखिए, तो पूरा आपको फेस्टिव लुक देगा। तो इस तरीके की ये कुर्ती है, इसमें जो मैंने साइज़ परचेज़ किया है वो मैंने स्मॉल परचेज़ किया है, और कलर आप देख सकते हैं इसका जो कलर है ना वो हॉट पिंक कलर है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इसका जो कलर है ना पिंक वाला, मतलब अच्छा वाला पिंक है, ब्राइट पिंक कह सकते हैं, जो कि ना हर स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगने वाला है। और बिल्कुल इसका जो कलर से ही पूरा कुर्ती का लुक इतना प्यारा आ रहा है। राउंड नेक आपको इसमें मिल जाता है। ये जो कुर्ती है ना वो एक अम्ब्रेला पैटर्न में होता है ना, ए लाइन कुर्ती कुछ इस तरीके की है। फ्रंट से बटन भी मिलेंगे, डिज़ाइन भी मिलेंगे, तो ऊपर से मैं आपको उसको डिटेलिंग बता देती हूँ। राउंड नेक मिल जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही राउंड नेक आपको इसमें मिल जाएगा। और वाइट कलर की ये छोटे छोटे आपको इसमें वर्क मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्यारी इस तरीके के इसमें वर्क किए हुए हैं। स्लीव्स कुछ इस तरीके की 3-4 स्लीव्स मिल जाएगी। इस कुर्ती का जो फैब्रिक है वो कॉटन रेयॉन मिक्स है, तो कंफर्टेबल है, समर के लिए भी परफेक्ट है, विंटर के लिए भी। तो कुछ इस तरीके की स्लीव्स आपको मिल जाती है, 3-4 स्लीव्स दोनों साइड। मैंने इसको पहन भी लिया है, वॉश भी कर लिया है, तो मतलब वॉश करने के बाद भी जैसे कि तैसे है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ कि सिकुड़ गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मतलब सेम वैसा ही पैटर्न रहा जैसा कि पहले था। और इस तरीके से ऊपर का तो मैंने आपको ये दिखा दिया है, वाइट कलर का वर्क हो रखा है अंदर से ना, ऊपर में आपको इस तरीके का पूरा मिल जाएगा। जो ये वर्क है ना उसको पूरा अच्छे से छुपा दिया गया है, जो अंदर से बिल्कुल भी आपको ये थ्रेड वगैरह कुछ भी छुपेंगे नहीं। अब वेस्ट की बात करें ना, तो वेस्ट पर आपको छोटी छोटी ये प्लीट्स दिख जाएंगी इस तरीके के। बटन्स भी आपको दिए गए हैं, कुछ तो बटन्स ऐसे दिए गए हैं और फिर नीचे से यहाँ पे ये ओपन हो जाता है, बट ऊपर के बटन ओपन नहीं होते, ऊपर के तो खाली शो के लिए, डिज़ाइन के लिए दिए गए। और फ्रंट से इतना छोटा सा कट दिया गया है, और पहनने के बाद ना बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। मैं वीडियो साइड में इंसर्ट कर लूँगी, पिक भी लगा दूँगी, तो आप देख सकते हैं ये कुर्ती ना पहनने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। फ्रंट से भी छोटी छोटी प्लेट्स हैं, बैक साइड से भी ना आपको इसमें इस तरीके की प्लेट्स मिल जाएंगे। तो ओवरऑल बात करें ना, ये कुर्ती बहुत ज़्यादा प्यारी है। प्राइस भी इसका मतलब 350-400 समथिंग था, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, क्योंकि इसको मतलब 1-3 मंथ हो चुके हैं इस कुर्ती को जब मैंने परचेज़ करी थी। बट इसका जो कोड होगा ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो ज़रूर चेकआउट कर लेना। पता है ये कुर्ती बहुत ज़्यादा अच्छी है, फेस्टिव में आप इसको पहन सकते हैं, पार्टी वेयर में पहन सकते हैं, कॉकटेल पार्टी में जाना है, फ्रेंड्स के साथ जाना है, तो इस तरीके की कुर्ती को आप स्टाइल करेंगे ना बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। सो गाइस, कैसे लगा आपको मेरा आज का वीडियो? आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो भी कुर्ता सेट मैंने आप लोगों से शेयर करें, इसके जो कोड होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो बस यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।